वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की काबीना अरकान के साथ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में आम इंतखाबात समेत अहम कौमी उमूर पर मुशावरत होगी। इसहाक डार कहते हैं जल्द इलेक्शन एजेंडे में नहीं। सजा याफ्ता और मफरूर शख्स ने काबीना को लंदन बुला लिया, ये आवाम के पैसे पर जा रहे हैं। इमरान खान का जहलम में जलसे से खिताब, कहा शहबाज शरीफ शर्म करो, मीर जाफर तुम हो, बोले डिस इन्फो लैब के जरिए मुझे और पाक फौज को निशाना बनाया गया। इमरान खान का हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी साजिश का इल्जाम प्रोपेगेंडा, झूठ और डिस इन्फॉर्मेशन है। अमरीका बेबुनियाद इल्जाम को दो तरफा ताल्लुकात की राह में रुकावट नहीं बनने देगा। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान की वजाहत, कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और दहशतगर्दी से निपटने समेत तिजारत और दीगर शोबों में तआवुन जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज सवाबी के इलाके छोटा लाहौर क्रिकेट ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां जारी। सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का केस, पीटीआई के दरख्वास्त गुजार आमिर महमूद कियानी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने आमिर महमूद कियानी को शवाहिद जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। समाअत 23 मई तक मुलतवी। और मई की गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, कैनप 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मरम्मत के लिए बंद। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5,500 मेगावाट से तजावज कर गया। आज से कराची हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में हीट वेव की पेशगोई, जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री को छू सकता है।